नमस्कार जी, रेनबो सेवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गूगल डाटा को परमानेंट कैसे डिलीट करना सीखेंगे। इसके अलावा गूगल डाटा कहाँ स्टोर होता है, और तीसरा, गूगल डाटा स्टोर को परमानेंटली स्टोर होने से कैसे रोकें। तो आज इन तीन बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जब आप गूगल की आईडी लैपटॉप या मोबाइल पर यूज़ करते हैं, तभी गूगल आपके डाटा को ट्रैक करना, स्टोर करना शुरू कर देता है। इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र खोलते हैं, उसके अंदर एक एड्रेस डालते हैं, history.google.com/history ये लिखा हुआ है, और इसको हम सर्च कर लेते हैं। जैसे ही हम सर्च करेंगे, माई एक्टिविटी खुल जाएगा। अब माई एक्टिविटी कईयों के फ़ोन में नहीं खुलेगा, इसमें आपको गूगल की आईडी लगानी पड़ेगी। गूगल की आईडी लगाते ही माई एक्टिविटी ये खुल जाएगी। इसके अंदर आपका जितना भी डाटा स्टोर होता है, जितना भी आपने सर्च किया या गूगल मैप देखा या यूट्यूब पर वीडियो देखा, प्ले स्टोर चलाया, जितना भी डाटा इसको आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा माई एक्टिविटी में स्टोर होता है। अब इसको हम डिलीट कैसे करें? इसके लिए जैसे ये डाटा है, पहले मैं डाटा दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये सर्च, मैंने सर्च किया, उसमें एक नीचे डिटेल लिखा हुआ है संक्षेप में, उस पर क्लिक कीजिएगा, और इसमें मौसम के बारे में, कब कितने बजे सर्च किया गया, ये इसमें आपको ये दिखाई देगा। मैं इसको काट देता हूँ। इसी प्रकार यूट्यूब है या गूगल मैप है, मैंने वो सर्च किया, उसको भी मैं दिखाता हूँ। ये जितने भी आपने आज तक गूगल पर सर्च किया, मैप में आपके कॉन्टैक्ट है, ये सब आपको, ये गूगल आपके एक्टिविटी को स्टोर करता है। तो अब इसको डिलीट कैसे करें? इसमें देखो, टुडे के सामने तीन बिंदु बने हुए हैं, उसको ओके कीजिएगा। तो इसमें एक डिलीट लिखा आ रहा है, तो इसको मैं दबाता हूँ, तो ये 20 दिसंबर का केवल एक जो एक्टिविटी है वो इसको डिलीट करेगा। ये ध्यान दीजिए, ये परमानेंट डिलीट होगा, लेकिन आप एक एक को डिलीट करते हुए परेशान हो जाएंगे। इसके लिए आपको जो माई एक्टिविटी है उसके पास का बटन दबाना है, तो एक नई टैब खुल जाएगी। उसके अंदर आप ये माई एक्टिविटी, डिलीट एक्टिविटी लिखा हुआ है, डिलीट एक्टिविटी बाय, इसमें इसको दबा दीजिएगा। अब ये नया आपके सामने ऑप्शन खुल रहा है, इसमें टुडे या टुडे में कौन कौन से प्रोडक्ट की आपको, जैसे एंड्रॉयड की, गूगल असिस्टेंट की, गूगल प्ले स्टोर की, हेल्प की, इमेज सर्च, मैप, ये टाइमलाइन, जितने भी ऑडियो वॉइस सर्च है, उन किन को डिलीट करना है, उनको मैंने मान, मैं असिस्टेंट की डिलीट करना चाहता हूँ। ये कब से कब तक करना है, टुडे की करना है या पूरी ऑल टाइम की, कितनी करना है, आप इसको 7 दिन, 30 दिन, ऑल टाइम या कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं मान लीजिए इसको ऑल टाइम करता हूँ, ऑल टाइम, और मैं डिलीट के ऑप्शन को दबाता हूँ, तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार आप भी अपने गूगल डाटा है उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। दूसरा तरीका है, अब आपका गूगल डाटा है उसको कोई ट्रैक ना करे, क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला है, इसलिए इसको अब रोकना चाहते हो, आगे से आगे ऐसा न हो, इसके लिए आपको
एक्टिविटी कंट्रोल, इसको आप क्लिक कीजिएगा। एक्टिविटी कंट्रोल के अंदर आपको कौन कौन सी एक्टिविटी कंट्रोल करनी है, जैसे वेब एंड एप्स एक्टिविटी, उसके सामने एक टॉगल बना हुआ है नीले रंग का, इसको बंद कीजिएगा। तो ये बोल रहा है कि इसको फ्यूज़ कर दिया जाए। फ्यूज़ ये आसानी से नहीं होगा, इसको दो बार दबाना होगा। मैंने एक बार दबा दिया और दोबारा दबाएंगे तब ये फ्यूज़ हो जाएगा। अब आपकी वेब और एप्स एक्टिविटी फ्यूज़ हो गई है, आगे से ये डाटा स्टोर नहीं करेगा। इस प्रकार हम ये मैप वगैरह, हम कहीं भी जाते हैं तो गूगल आप पर पूरी निगरानी रखता है, आप कितने किलोमीटर चले, कौन कौन से शहर घूमे। आपको मैसेज भी आता होगा कि आपने 5 शहरों की यात्रा की, 5 गांवों की यात्रा की, इतना किलोमीटर चले, बस से चले, बाइक से चले, वो मैसेज आता है। इसलिए आप यदि इनको ट्रैक नहीं करवाना चाहते हैं, ट्रैक बंद करवाना चाहते हैं, तो आप इस लोकेशन हिस्ट्री को बंद कर दीजिएगा। तरीका वही है, फ्यूज़ को दो बार टैप करना है और ये देखिए आपके सामने ये बंद हो जाएगा। इसके अलावा मैनेज एक्टिविटी, इसमें आपके कॉन्टैक्ट है, कैलेंडर है, एप्स है, ये पूरे के पूरे बंद हो जाएंगे। मेरी राय है कि आपके जो कॉन्टैक्ट है यानी फ़ोन नंबर है, ये गूगल में स्टोर हो, अच्छी बात है। यदि इसको बंद कर देंगे और जब आपके फ़ोन के डाटा डिलीट होते हैं तो, या आप इसको फ़ोन को हार्ड रिसेट करते हैं तो ये काम आती है। यदि आप चाहे तो इसको बंद कर सकते हैं, बंद करने का मैंने तरीका बता दिया है। इसके अलावा वॉइस ऑडियो एक्टिविटी है, इसको भी बंद कर सकते हैं। यूट्यूब पर कौन कौन से वीडियो आपने सर्च किए वो भी बंद कर सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया है। तो आज आपने 3 बातें सीखी कि गूगल का डाटा कहाँ स्टोर होता है, दूसरा उसको परमानेंटली कैसे डिलीट करें, तीसरा जो गूगल डाटा स्टोर न हो उसको कैसे बंद करें। मैंने ये तीनों आसानी से बता दिया है। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ कमेंट कीजिए, आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे।